हेलो गाइस, तो आपका फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है गाइस। जैसे कि स्क्रीन पर देख पा रहे हो, जब हम इस तरह का जो कि वाइट एंड रंगीन वीडियो एडिटिंग करना सीखेंगे, जो कि अपना डबल लेयर चलेगा, इस तरह का वीडियो एडिटिंग करना सीखेंगे। वीडियो में इस वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, चलते हैं वीडियो के स्टार्ट। हेलो गाइस, तो अब आपको ओपन कर लेना है काइन मास्टर, जो कि गाइस अपन वाइट एंड रंगीन वीडियो एडिटिंग करने के लिए आपको काइन मास्टर को ओपन करना पड़ेगा। इसके बाद अपन इस लेयर का ऑप्शन जो कि प्लस के हम क्लिक करके न्यू प्रोजेक्ट क्लिक करके और गाइस 900 से नेक्स्ट पे क्लिक कर लेते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ से अपन को कुछ बैकग्राउंड ले लेना है। अदरवाइज बैकग्राउंड में बना रहा हो और अगर आप डायरेक्ट में बना रहे हो तो इस वीडियो को डायरेक्ट में भी बना सकते हो। तो मैं कुछ आपको डायरेक्ट में बना के दिखा देता हूँ ताकि अपनी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो सबसे पहले क्या करना है, सबको ये फोटो सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपने अभी तक ये सेटिंग सही नहीं किया तो पहले तो इस सेटिंग का ऑप्शन क्लिक कर लिए, एडिटिंग क्लिक कर लिए और फिर स्क्रीन क्लिक करके आपको बैक जाना है। बैक आने के बाद क्या करेंगे, इस यहाँ से कुछ इस तरह का जो कि एक फोटो आपको सिलेक्ट कर लेना है, देख सकते हो। ठीक ना, मैं थोड़ा सा वीडियो जूमिंग कर लेता हूँ। और अगर टाइप का इस तरह का ब्लर टाइप का आपका वीडियो में आ रहा है तो आपको इस फोटो पर क्लिक करना है और आपको पेन एंड जोन पे जाना और थोड़ा सा इसको जूम आउट करके इसको छोड़ देना है, तो आपका जो ब्लर टाइप का फोटो आ रहा था वो ठीक हो जाएगा। ठीक ना, और क्या करेंगे देख सकते हो, ये बनेगा। अब क्या करते हैं गाइस, इस लेयर को जो कि अपन कर देते हैं इतना बड़ा, जो कि 15 से 30 सेकंड का जितना बड़ा अपन इस वीडियो को बना रहे हैं। ठीक ना, आप क्या करना गाइस, यहाँ से अपन लेयर पर चलते हैं और गाइस मीडिया ऑप्शन क्लिक करके और इसमें पहले एक इफेक्ट लगा लेते हैं जो कि लेयर। ठीक ना, तो यहाँ पर लेयर पर जाके मीडिया ऑप्शन क्लिक करके और गाइस जो कि मैंने पहले से ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा था लेयर वीडियो, वो वीडियो आपको ले लेना है। ठीक ना, और अदर गाइस आपके पास दूसरा कोई वीडियो है वो भी ले सकते हो। तो गाइस मैंने कुछ ऑलरेडी पहले से एक वीडियो डाउनलोड कर रखा था, तो मैं वो वीडियो आपको लगा के दिखा रहा हूँ। ठीक ना, तो यहाँ से कुछ इस तरह का वीडियो रहेगा। तो सॉरी, अपने पास ये टेम्पलेट है, दूसरा है। तो गाइस कुछ इस तरह का अपना टेम्पलेट रहेगा। तो अपन सबसे पहले क्या करते हैं गाइस, स्प्लिट स्क्रीन क्लिक करते हो और इसका पहले तो फुल स्क्रीन करके राइट का ऑप्शन क्लिक कर लेते हैं। अब क्या करना गाइस, इस पर फिर से क्लिक करना और नीचे जाना है आपको ब्लेंडिंग के ऑप्शन पर। और गाइस पहले तो इसका स्क्रीन करके राइट का ऑप्शन क्लिक कर लेना है। आप क्या करना गाइस, इस फोटो पर क्लिक करना और आपको नीचे एडजस्टमेंट कलर ऑप्शन का एक ऑप्शन मिलेगा गाइस, इसको दूसरे नंबर के इस लेयर को आपको -100 कर देना है। आप क्या करना गाइस, एक बॉलर जो लिखा है इसको छोड़ कर और तीसरे नंबर को थोड़ा और खींच दे रहे हैं, टेम्परेचर लिखा है इस पर कुछ। ठीक ना, तो इस तरह से अपन इतना कर लेंगे इसको -18। ठीक ना, तो आप क्या करते हैं इस राइट का ऑप्शन क्लिक करके देख सकते हो, अपने इस तरह से वीडियो इतना एडिटिंग हो रहा है। आप क्या करते हैं इस यहाँ से अपन को लेयर पे जाना है और क्या करना का, जो वीडियो को आपने अभी जो फोटो लिया था उस पर ही क्लिक करना, थ्री डॉट पे जाना और क्या करना का, इसका डुप्लीकेट लेयर बना लेना है। ठीक ना, इस तरह से डुप्लीकेट लेयर बनाने के बाद इस तरह से आपको जूमिंग कर लेना और तो थोड़ा सा वीडियो को स्किप करना और थोड़ा सा आपको नीचे की साइड इस तरह से खींच लेना है। खींचने के बाद क्या करोगे, इस यहाँ से आपको पहले तो आपको ने जो कलर ऑब्जेक्ट के ऑप्शन पे जाके जो कलर सही किया था वो कलर पैसा के पैसा ही आपको कर देना है। ठीक ना, जो एक ऑप्शन करना है एक को पैसे ही रहने देना है। आप क्या करते रहे, इस राइट क्वेश्चन क्लिक कर लेते हो गए, इस यहाँ से अपन फिर से बैक आ जाते हैं शुरू से और आपको लेयर पर जाना है, हैंड राइटिंग क्लिक कर लेना। हैंड राइटिंग क्लिक करने के बाद यहाँ से क्या करना है, इस क्रॉपिंग ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। इसमें क्या करना है, इस वाइट कलर सेलेक्ट कर लेना है और इसके बाद यहाँ से ऑब्जेक्ट पे जाना और आपको तीसरे नंबर के ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। आप क्या करने का, इस यहाँ से आपको कुछ इस तरह के एक अंडर लाइन खींचना है जो कि अपन इसका बॉर्डर PNG बनाएंगे। बॉर्डर में इसके अंदर रखेंगे तो क्या होगा गाइस, अपना कुछ इसे आपको बड़ी ध्यान से बनाना है, इसमें मिस्टेक नहीं होना चाहिए, नहीं आपकी वीडियो अच्छी नहीं लगेगी। तो गाइस जो कि मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, और अदर गाइस आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना कि मैं आपके लिए इसी तरह का कॉन्टेंट थोड़े इसी यूज़फुल वीडियो इस चैनल पर लाता रहता हूँ। तो इस तरह से आपको बॉर्डर PNG बना लेना, राइट क्वेश्चन क्लिक कर लेना है। ठीक ना, अब गाइस क्या करना है, अगर आप इस वीडियो को रोटेट करना चाहते हो रोटेट भी कर सकते हो, अदर ऐसा ही रखना चाहते हो ऐसा भी रख सकते हो। तो सबसे पहले अपन इस लेयर को जो कि बॉर्डर PNG बनाया, इसको भी अपन बॉर्डर के तौर पर कर लेते हैं और जो फोटो अपन ने लिया था इसको भी अपन कर लेते हैं। ठीक ना, आप क्या करना है, जो फोटो पर अपन क्लिक करूँगा और इसको इस तरह से रोटेट कर देंगे गाइस, इस तरह से आपको रोटेट कर लेना अगर करना चाहते हो तो गाइस, और नहीं करना चाहते हो तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस, क्योंकि अगर आप करना चाहते हो तो मैं थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूँ, इसको यहाँ पे इतना कन्वर्ट कर देता हूँ, राइट क्वेश्चन क्लिक कर लेते हैं। अब बॉर्डर पे सेम प्रोसेस कर देना है, आपको पहले क्रॉप कर इस तरह से रोटेट करना है इसको और इसके बाद क्या करना, बॉर्डर को भी छोटा कर देना है थोड़ा बहुत। इसका अगर ज़्यादा रोटेट मोटेट होता है तो आपको इसका एडजस्टमेंट के हिसाब से आपको इसको कर लेना है। ठीक ना, देख सकते हो, तो थोड़ा सा अपना इधर साइड बैकग्राउंड छोटा है तो इस तरह से कर लेंगे। ठीक ना, तो इसको बड़ी सावधानी से करना है गाइस, ताकि आपकी वीडियो में कोई मिस्टेक ना हो, क्योंकि अगर आपकी वीडियो अच्छी नहीं बनेगी तो आपकी वीडियो बहुत मतलब कि अच्छी नहीं लगेगी। तो इसको देख के और सही से आपको करना है।
तो देख सकते हो इस तरह से कर लेना। आप क्या करेंगे, जैसे अपन जो अपन ने जो डबल ऑब्जेक्ट लिया था, जो कि अपन ने लेयर सॉन्ग लिया था, तो अपन इसको पहले तो क्या करते हैं, इस यहाँ से अपन थ्री डॉट पे जाते हैं और इसका भी एक डुप्लीकेट पे क्लिक कर लेते हैं। ये लिखा है फर्स्ट टाइम डुप्लीकेट, आप क्या करना है, इस पे जाना है और आपको इसका रोटर पूरा बंद कर देना है और यहाँ पे इस तरह से आपको यहाँ पे इस तरह कन्वर्ट करके और आपको बैक फ्रंट पे क्लिक कर लेना है। बैक फ्रंट पे क्लिक करने के बाद राइट क्वेश्चन क्लिक कर लेना, आप क्या करना है, इस पे क्लिक करना है और पहले तो इसको क्रॉपिंग के ऑप्शन पे जाके इसका जो बॉर्डर रहेगा इसको क्रॉप कर देना है, ठीक है ना। इस तरह से चारों साइड से आपको क्रॉप कर लेना है, थोड़ा थोड़ा क्रॉप करने के बाद आपको फिर से शिफ्ट क्लिक करना और यहाँ पे इस तरह से करना और गाइस इस तरह से इसको रोटेट कर लेना है यहाँ पर, ठीक ना। इस तरह से करने के बाद राइट का ऑप्शन क्लिक कर लेना और अदर गाइस आपका सॉन्ग ठीक ठाक लग रहा है ठीक है, और अदर गाइस आपको नहीं लग रहा है तो आपको फिर से हैंड राइटिंग के ऑप्शन पर जाना और यहाँ से क्या करना है, इस ब्रश को सिलेक्ट करना, यहाँ से कलर को ब्लैक सेलेक्ट करना और गाइस इसका रोटेट आपको थोड़ा इतना रख लेना है। इतना रखने के बाद क्या करोगे, इस एक रंगीट आपको इस तरह से खींच देना है, खींचने के बाद राइट का ऑप्शन क्लिक कर लेना है, आपको इस पर क्लिक करना और यहाँ पर इस तरह से इसको जूमिंग कर लेना है, ठीक ना। इतना थोड़ा सा रोटेट इधर की साइड कर देना है आपको करना चाहते हो। अब क्या करोगे, इस यहाँ पे इतना करने के बाद आपने जो अभी लिया था फोटो, जो कि अपना जो अपन ने वीडियो लिया था ना, ये फर्स्ट वाला वीडियो जो कि बैकग्राउंड के ऊपर, तो अपन इस पे क्लिक करेंगे, थ्री डॉट पे जाएंगे, बैक फ्रंट पे क्लिक कर देंगे, तो ये देख सकते हो कितना मस्त अपना ये वीडियो लगेगा यहाँ पर, ठीक ना। और क्या करेंगे, जो बॉर्डर आपने लिया था ये बॉर्डर अपना PNG, तो अपन इस बॉर्डर पर क्लिक करेंगे, बैक फ्रंट पे जाएंगे और इसको बैक फ्रंट पे क्लिक कर देंगे, तो ये क्या होगा गाइस, अंदर की साइड चलेगा जाएगा और ये बाहर की साइड चले जाएगा। आप क्या करेंगे, जो अपन ने अभी बैकग्राउंड लिया उस पर फिर से क्लिक करते हैं, थ्रू डॉट पे जाते हैं और इसका भी एक और डुप्लीकेट बना लेते हैं। अब क्या करना है, इस यहाँ पे क्लिक करना और इस तरह से और इसको यहाँ पे क्लिक करके इतना थोड़ा सा और आपको खींच देना है, मतलब इतना कर लेना है। इतना करने के बाद आपको इतना कर देना और क्या करना है, इस थ्री डॉट पे जाना और सेंड टू बैक पे क्लिक कर देना है। सेंड टू बैक पे क्लिक करते कि हमको जिस तरह से आपका लेयर सॉन्ग बन के कम्प्लीट हो जाएगा मस्त, और जो कि वीडियो एडिटिंग हो जाएगा। आप क्या करते हैं, इसे अपने वीडियो को चला के देखते हैं, अपने वीडियो कुछ अगर गाइस आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो गाइस, यहाँ से एक्सपोर्ट वगैरह के कर सकते हो, तो मैं आपको अब वीडियो चला के दिखा देता हूँ अपने वीडियो कुछ किस तरह से एडिटिंग हुआ। तो गाइस देख सकते हो अपना डबल लेयर सॉन्ग भी चल रहा है और कितना मस्त वीडियो एडिटिंग हो गया है, जो कि आपकी आंखों के सामने कितना मस्त वीडियो एडिटिंग करना मैंने इस वीडियो में सिखा दिया। तो गाइस वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलते हैं नेक्स्ट वन, जब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।